क्या हुआ छोटे, इतना घबरा क्यों रहा है? भैया मुझे घर में घुटन सी हो रही है, मैं बाहर जा रहा हूँ। कितनी अच्छी गाड़ी है यार, भैया को बोलता हूँ वो दिला देंगे। भैया भैया, रास्ते में मैंने एक गाड़ी देखी थी और वो गाड़ी मुझे बहुत पसंद आई है और वो मुझे खरीदना है। ठीक है छोटे, पर पहले मैं वो गाड़ी देखूंगा, चल। भैया बस थोड़ी दूर हो रहे। ये देखो भैया, यही है वो गाड़ी जो मुझे चाहिए। गाड़ी तो बहुत पुरानी दिख रही है, तुझे इस गाड़ी में क्या पसंद आया? नहीं नहीं भैया, मुझे तो यही गाड़ी चाहिए। चल ठीक है, ये घर तो असलम का है, मैं असलम से बात करता हूँ, चला। यही असलम का घर है। अरे भैया आप दोनों कौन हो और यहाँ क्यों घुसा आ रहे हो? भाई हमें असलम भाई से मिलना है। असलम? असलम मेरे पापा का नाम है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, आपको क्या काम है? हमें वो गाड़ी खरीदना है जो खेत की तरफ खड़ी है। वो गाड़ी? नहीं, वो गाड़ी मैं नहीं दे सकता, वो मेरे पापा की आखिरी निशानी है। भाई आप जितने पैसे बोलोगे मैं देने को तैयार हूँ, पर मेरे भाई को नाराज मत करो। ठीक है भैया, आप वो गाड़ी ले जाओ और पैसों की भी कोई जरूरत नहीं है। भैया एकदम से आपको क्या हुआ? अरे चलिए चलिए, ठीक है भैया हम गाड़ी ले जा रहे हैं। आज तो नई बाइक से घूमूंगा। हेलो। हाँ छोटे। हाँ भैया। घर जल्दी आ। हाँ ठीक है आ रहा हूँ। अरे मेरी गाड़ी कहाँ गई? भैया मेरी गाड़ी खो गई। कहाँ खो गई? सुबह तो लेकर गया था ना। भैया मैं होटल पर गया था, वहाँ मैंने नाश्ता करा और चाय पी और मैंने गाड़ी ढूंढी तो मुझे कहीं गाड़ी नहीं मिली। तूने अच्छे से ढूंढा? वहाँ आसपास पूछा किसी से? हाँ भैया मैंने सारी जगह ढूंढ लिया और लोगों से भी पूछा, मुझे कहीं नहीं मिली। गाड़ी जरूर असलम का बेटा अयाज ले गया होगा, उनने गाड़ी के पैसे लिए थे ना। एक बार मैं उसके खेत पर भी जाके चेक कर लेता हूँ। अरे गाड़ी तो मेरी यही है, भैया ने सही बोला था, असलम का बेटा ही लेकर गया था मेरी गाड़ी। अरे तुम यहाँ और ये गाड़ी वापस यहाँ पे क्यों लेके आ गए? अरे मैं कहाँ लेके आया, ये गाड़ी तो आप लाए। गाड़ी अगर ये नहीं लाया कहीं वो क्या हुआ, कहाँ खो गए? हाँ ये गाड़ी यहाँ पे मैं ही लेके आया हूँ, ले जाओ आप वापस। अरे छोटे हो क्या हुआ? मुझे क्या पता, मेरे खेत पर आए थे अचानक बेहोश हो गए। अरे छोटे तुझे हुआ क्या है? भैया जब मैं वहां गाड़ी लेने गया फिर अचानक मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ याद नहीं है। देख छोटे जो तू बता रहा है ना वो तेरा वहम हो सकता है, क्योंकि भूत प्रेत ये चीजों को मैं नहीं मानता। भैया अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप खुद उसके खेत पे जाके देख लो।
ठीक है, मैं खेत पे जाके देखता हूँ। पापा तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो? मैं उस लड़के की जान लेना चाहता हूँ। तुम पहले ही ना जाने कितने लोगों की जान ले चुके हो। मैं उस लड़के के साथ तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। उस लड़के की जान तुम्हें लेकर रहूंगा। तू उसे बचा सकता है तो बचा ले। अब तो मैं उन लोगों को सब सच बता दूंगा। तू अकेले में किससे बात कर रहा है और क्या राज है इस गाड़ी का? तुम्हारे भाई की जिंदगी खतरे में है। अगर तुम चाहो तो उसे बचा सकते हो, वरना मेरा बाप उसकी जान ले लेगा। मेरे भाई की जिंदगी खतरे में, मैं उसे कैसे बचा सकता हूँ? हजरत कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। हाँ तो हजरत आप ही बताइए, मैं अपने भाई की जिंदगी कैसे बचाऊं? ये पानी उस आत्मा पे छिड़कना, ये धागा उस गाड़ी पे बांधना, लेकिन ध्यान रखना इसमें तुम्हारी जान जाने का ज्यादा खतरा है। ठीक है हजरत, अल्लाह हाफिज। हे अल्लाह इनकी हिफाजत करना। चाहे इसमें मुझे अपनी जान भी क्यों ना देना पड़े, लेकिन मैं उस बेकसूर की जान नहीं जाने दूंगा। उसकी जान तो मैं लेकर रहूंगा। छोटे तू जाके उस गाड़ी में धागा बांध, मैं इसे देखता हूँ। तुझे क्या लगता है ये पानी तेरे भाई को बचा लेगा? गाड़ी की धागा बांधने जा रही है, रुक बताता हूँ। छोटे धागा बांध।